नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 7 विषय हिंदी सप्टेम्बर महीना सामयिक मूल्यांकन कसोटी संपूर्ण सोल्यूशन जोईशु। एना गुण से 25 और समय से 1 कलाक। प्रश्न पहलो, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, हमें बिना सोचे समझे काम क्यों नहीं करना चाहिए? जवाब, बिना सोचे समझे काम करने के बाद हमें पछताना पड़ता है। बीजू, सम्मान पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? जवाब, सम्मान पाने के लिए हमें सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि पर ध्यान देना चाहिए। त्रीजू, हमें प्रभु की याद कब कब आती है? जवाब, जब चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलिया दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहर दौड़ लगती है, छमछम बूंद गिरती है, तब प्रभु की याद आती है। चौथू, आधुनिक युग में संदेश भेजने के कौन कौन से माध्यम है? जवाब, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, फैक्स आदि। पांचवू, ईंधन के बिना चलने वाले किन्हीं 2 साधन के नाम लिखिए। जवाब आवशे, साइकिल और नाव। प्रश्न 2, दिए गए वाक्य में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। पहलो सवाल, युधिष्ठर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे, तो जवाब आवशे युधिष्ठर पछी अल्पविराम, भीम पछी अल्पविराम, अर्जुन पछी अल्पविराम, नकुल और सहदेव 5 पांडव। क्या इंग्लिश बोलने से आपको लगता है डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनट ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूर्ण विराम। बीजू, कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है? जवाब, कौन कहता है पछी अल्पविराम कि भारत विज्ञान में पीछे है? पूर्ण विराम। त्रीजू, राधा कृष्ण नाच रहे हैं? जवाब, राधा कृष्ण नाच रहे हैं। पूर्ण विराम। चौथू, चाणक्य ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा? जवाब, चाणक्य ने कहा पछी अल्पविराम અને ઇન્વર્ટેડ કોમામાં એટલે કે અવતરણ ચિહ્નમાં મેં તુમારી રક્ષા કરુંગા અને પૂર્ણવિરામ। પાંચમું, પ્રેમચંદ કા પ્રસિદ્ધ ઉપન્યાસ ગૌદાન હૈ? જવાબ, પ્રેમચંદ કા પ્રસિદ્ધ ઉપન્યાસ ગૌદાન ને ઇન્વર્ટેડ કોમામાં લખવાનું છે અવતરણ ચિહ્નમાં અને હે પછી પૂર્ણવિરામ। પ્રશ્ન 3, નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ કા માતૃભાષા મેં અનુવાદ કીજે? અહીં આપણે એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે, આપણે એનો માતૃભાષામાં અનુવાદ કરવાનો છે। તો હિન્દીમાં આપણે પેરેગ્રાફ જોઈએ તો, અમેરિકામાં સ્વામીજી કે ભક્તો કી સંખ્યા દિનો દિન બઢને લગી, ચારો ઓર જિજ્ઞાસુ ઉનકે પાસ પહોંચતે ઓર અપને અપને નગર મેં પધારને કા અનુરોધ કરતે। સ્વામીજી કો અક્સર દિનભર વ્યસ્ત રહેના પડતા, બડે બડે પ્રોફેસરો ઓર વિદ્વાનોને આકર ઉનકે ઉપદેશો કો અપને હૃદય મેં સ્થાન દિયા ઓર ઉનકા શિષ્યત્વ ગ્રહણ કિયા। આપણે ગુજરાતી કરીએ તો, અમેરિકામાં સ્વામીજીના ભક્તોની સંખ્યા રોજ રોજ વધવા લાગી, ચારે તરફથી જિજ્ઞાસુ લોકો તેની પાસે આવતા અને તેમને પોતાના શહેરમાં આવવાનું આમંત્રણ આપતા। સ્વામીજી આખો દિવસ લગભગ વ્યસ્ત રહેતા, મોટા મોટા પ્રોફેસરો અને વિદ્વાનોએ તેમના ઉપદેશને હૃદયમાં સ્થાન આપ્યો અને તેમના શિષ્ય બની ગયા। પ્રશ્ન 4, વિધાન શુદ્ધ રૂપે લખીએ। તો અહીં પહેલો પ્રશ્ન છે, આપ કહાં સે આ રહે હે? તો જવાબ, આપ કહાં સે આ રહે હે? બીજું, આપ મેરા ઓર આ જઈએ? તો જવાબ આવશે, આપ મેરાની જગ્યાએ મેરી ઓર આ જઈએ। ત્રીજું, લડકે ખેલ રહે હે? તો હે ઉપર બિંદી આવે છે। ચોથું, કુજ દિન સબ્જિયા બેચતી હે? તો જવાબ આવશે, કુજ દિન શની જગ્યાએ સબ્જિયા બેચતી હે। પાંચમું, રિક્ષા મેં 2 આદમી બેઠે હે? જવાબ આવશે, રિક્ષાની જગ્યાએ રિક્ષા મેં 2 આદમી બેઠે હે। પ્રશ્ન 5, નિમ્નલિખિત મુદ્દો કે આધાર પર છે કહાની લખીએ। અહીં આપણને થોડાક મુદ્દા આપેલા છે, એના પરથી આપણે કહાની લખવાની છે। તો જવાબ જોઈએ તો, વર્ષો પુરાની બાત હૈ, એક ગામમાં દેવદત્ત નામ કા બ્રાહ્મણ અપની પત્ની દેવકન્યા કે સાથ રહેતા હતા। ઉન દિન દોનો કી કોઈ સંતાન નહીં થી, આખિરકાર કુછ વર્ષો કે બાદ ઉનકે ઘર પ્યારે સે બચ્ચે ને જન્મ લિયા।
ब्राह्मण की पत्नी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी देवकन्या को अपने घर के बाहर नेवले का छोटा सा बच्चा मिला। उसे देखकर देवकन्या को उस पर दया आ गई और वो उसे घर के अंदर ले गई और उसे अपने बच्चों की तरह ही पालने लगी। ब्राह्मण की पत्नी बच्चे और नेवले दोनों को अक्सर पति के जाने के बाद घर में अकेला छोड़कर काम से चली जाती थी। नेवला इस दौरान बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच का अपार स्नेह देखकर देवकन्या बहुत खुश थी। एक दिन अचानक ब्राह्मण की पत्नी के मन में हुआ कि कहीं यह नेवला मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। आखिर जानवर ही तो है और जानवर की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कर सकता। समय बीतता गया और नेवला और ब्राह्मण के बच्चे के बीच का प्यार गहरा होता गया। इसी बीच देवकन्या घर लौट आई। जैसे ही उसने नेवले के मुंह को देखा तो वह डर गई। नेवले के मुंह का सांप के खून से लथपथ था, लेकिन इस बात से अनजान देवकन्या ने मन में कुछ और ही सोच लिया। वो गुस्से से कांपने लगी। उसे लगा कि नेवले ने उसके प्यारे बेटे की हत्या कर दी है। यही सोचते सोचते ब्राह्मण की पत्नी ने एक लाठी उठाई और उस नेवले को पीट पीट कर मार डाला। नेवले को जान से मारने के बाद ब्राह्मण ने अपने बच्चे को देखने के लिए घर के अंदर तेजी से भागी। वहां बच्चा हंसते हुए खिलौनों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नजर पास में मरे पड़े सांप पर पड़ी। सांप को देखते ही देवकन्या को बहुत पछतावा हुआ। वो भी नेवले से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गुस्से और अपने बच्चे के मुंह में उसने बिना कुछ सोचे समझे नेवले को मार दिया था। अब ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय ब्राह्मण भी घर लौट आया। वह पत्नी की रोने की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ घर के अंदर गया। उसने पूछा, देवकन्या तुम क्यों रो रही हो, ऐसा क्या हो गया? उसने अपने पति को सारी कहानी सुना दी। नेवले की मौत की बात सुनकर ब्राह्मण देवदत्त को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से ब्राह्मण कहा, तुम्हें बच्चे को घर में अकेले छोड़कर जाने और अविश्वास का दंड मिला है। कहानी से सीख मिलती है, बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। साथ ही विश्वास की डोर को कभी शक की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए।